चुनाव परिणाम वो तो एक गणित होता है, जिसको 200 वोट मिले हैं और दूसरे को 201 मिला है तो विजेता तो 201 वाला होने वाला है, 200 वाला नहीं होने वाला है। परिणाम का आधार तो गणित समझ सकता हूं मैं, 20वीं सदी के चुनावों के हिसाब किताब भी गणित और अंक गणित के दायरे में चले होंगे, लेकिन चाहे वो 2014 हो, 2017 हो या 2019 हो, देश के राजनीतिक विश्लेषकों को मानना होगा कि एरिथमेटिक के आगे भी केमिस्ट्री होती है। गुणा भाग का हिसाब किताब के परे भी एक केमिस्ट्री होती है जी। देश में समाज शक्ति की जो केमिस्ट्री है, आदर्शों और संकल्पों की जो केमिस्ट्री है, वे कभी कभी सारे गुणा भाग, सारे अंक गणित को निरस्त कर देती है, पराजित कर देती है। और इस बार अंक गणित को केमिस्ट्री ने पराजित किया है। ऐसे ही मुंबई, महाराष्ट्र और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।